इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंटिलीवर पे तथा जब हम कैंटिलीवर पे वेट सस्पेंड करते हैं तो उस पे जो डिप्रेशन होगा उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंटिलीवर होता क्या है। कैंटिलीवर होता है थिन यूनिफॉर्म बार। सो ये है एक थिन यूनिफॉर्म बार, बहुत ही पतला होता है ये। सो इसका जो अपना वेट होता है इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मास या फिर जो वेट इसमें सस्पेंड करेंगे वो इसके अपने वेट से काफी ज्यादा होगा। और ये फिक्स्ड होता है एक एंड पे। तो यहां देखें ये जो कैंटिलीवर है ये यहां पर फिक्स्ड हो गया, हमने माना ये पॉइंट ए में फिक्स्ड हो गया। और इसका जो दूसरा एंड होता है वो फ्री होता है जिस पे हम मास या वेट सस्पेंड करते हैं। तो ये रहा पॉइंट बी, दूसरा एंड जो कि फ्री है, इस पे हमने वेट सस्पेंड कर दिया। तो वेट सस्पेंड करने से होगा क्या, ये कैंटिलीवर बेंट हो जाएगा, कुछ ऐसे ये बेंट हो गया। तो जो पॉइंट बी था या फिर जो मॉलिक्यूल्स या जो एलिमेंट्स पॉइंट बी में थे वो अब पहुंच गया पॉइंट बी डैश्ड में। तो इसका कुछ डिप्रेशन हुआ, ये जो डिप्रेशन है इसे चलिए मान लेते हैं ये डिप्रेशन हो गया ये इतना। हम मान रहे कैंटिलीवर का जो अपना लेंथ है ये लेंथ है एल, और हमने इस पे जो वेट सस्पेंड किया था वो था W। सो W वेट के कारण ये कैंटिलीवर बेंट हो गया। इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है आप मान सकते हैं ए बी है, क्योंकि ये बहुत ही पतला है। अब एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं पी क्यू। सो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें पी क्यू, तो हमने माना यहां है पॉइंट पी और यहां है पॉइंट क्यू, जो कि अब बेंट होने के कारण वो दोनों पॉइंट्स यहां पहुंच गए पी डैश्ड क्यू डैश्ड में। तो ये हो गया पी डैश्ड और ये पॉइंट हो गया क्यू डैश्ड। तो फिर इस बीम का या फिर माफ कीजिएगा ये जो कैंटिलीवर है इसका जो रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा स्पेशली इस रीजन में वो रेडियस ऑफ कार्वेचर कुछ इतना होगा। यहां से आप ड्रॉ करें नॉर्मल्स कुछ ऐसे और यहां से भी ड्रॉ करें नॉर्मल्स। तो हमने माना ये जो रेडियस है ये रेडियस है आर। सो जैसे कि हमें पता है कि एक बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट ये बराबर होता है ये जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका यंग्स मॉडुलस इनटू उस बीम का जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां ये कैंटिलीवर को हम बीम मान सकते हैं। यहां पर बेहतर होगा अगर आप वो वीडियो देख ले जिसमें कि हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और वो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा। अब देखिए इस वेट के कारण जो डिफ्लेक्टिंग कपल होगा ये डिफ्लेक्टिंग कपल या टॉप किसके बराबर होगा, ये जो डिफ्लेक्टिंग कपल है, डिफ्लेक्टिंग कपल इस PQ रीजन में डिफ्लेक्टिंग कपल ये किसके बराबर होगा, ये टॉर्क बराबर होगा, हम कह सकते हैं ये बराबर होगा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स जो कि W के बराबर है इनटू उस फोर्स का इस PQ एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर कहें P डैश Q डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि ये बेंडिंग को हम मान रहे बहुत ही छोटा बेंडिंग है तो PQ का या PQ एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा इस फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही हम मान सकते हैं पी डैश क्यू डैश का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस फोर्स के साथ। ये जो एलिमेंट है पी क्यू ये बहुत छोटा एलिमेंट है। अब चलिए मान ले ये पॉइंट पी जो है ये दूसरे एंड से जो एंड फिक्स्ड है उस एंड से एक्स डिस्टेंस दूर है तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके पॉइंट पी से लेके इस दूसरे एंड तक ये होगा एल माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल जिसे हम टॉर्क भी कह सकते हैं ये होगा अप्लाइड फोर्स इनटू उस पॉइंट का डिस्टेंस उस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट में हम डिफ्लेक्टिंग कपल पता कर रहे हैं और वो रीजन है पी डैश क्यू डैश। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स पी डैश क्यू डैश से कितना दूर है एल माइनस एक्स डिस्टेंस दूर है। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो कि है एल माइनस एक्स।
अब हम कह सकते हैं कि दोनों टॉर्क्स के, एक टॉर्क ये दूसरा टॉर्क ये, दोनों के इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ बराबर होंगे. सो फॉर इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो कि यंग्स मॉडुलस इनटू ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां बीम नहीं ये होगा कैंटिलीवर, ये बराबर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के. अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि 1/r इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी कह सकते हैं. सो हमने 1/r को इक्वेशन के एक तरफ रखा तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा W इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैंटिलीवर. सो यहां पर हम 1/r को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. सो ये बराबर हो गया W इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में. सो इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, सो हमें मिलेगा dy dx इज इक्वल टू इस टर्म का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में. सो ये बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर रखते हैं तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म जो कि x पे डिपेंड नहीं करेगा. अब हमें इंटीग्रेट करना है l माइनस एक्स को, जैसे ही हम l माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर्ड ओवर टू. चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, हम इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना होगा. सो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में है c. अभी c का वैल्यू भी पता कर लेना होगा. उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे कि जब x का वैल्यू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा पोजीशन है. तो चलिए हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. सो ये हो गया ओरिजिन जो पॉइंट a है, ये हो गया ओरिजिन. सो जब x इज इक्वल टू जीरो तो इस रीजन में देखे जो dy ओवर dx है, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कह सकते हैं, वो होगा जीरो. सो यहां पर इस केस में dy ओवर dx ये बराबर होगा जीरो के. तो अगर सारे वैल्यूज आप पुट करते हैं यहां पर, ये वैल्यू जीरो और यहां पर x के वैल्यू जीरो पुट करके देखें, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा, तो c का वैल्यू भी जीरो होगा. सो इससे हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू जीरो. सो dy ओवर dx ये बन गया dy dx, ये बन गया w ओवर यंग्स मॉडुलस इंटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि c का वैल्यू जीरो है, ये हो गया जीरो. अब अगर हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं, सो अगर हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा y, क्योंकि dy ओवर dx को जब x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y, जो कि बराबर होगा इस टर्म के इंटीग्रेशन के. और इस टर्म में जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे अब बाहर निकाल ले पहले. सो ये कांस्टेंट टर्म बाहर, अब हमें इंटीग्रेट करना है इस टर्म को. इसे इंटीग्रेट करके देखें, ये बनेगा एल एक्स स्क्वायर्ड ओवर टू माइनस एक्स क्यूब्ड ओवर 3 इंटू टू, जो कि होगा 6. चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां अपेंड करना होगा, हमने माना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c डैश्ड. तो अब हम एक स्पेशल सिचुएशन कंसीडर करेंगे जबकि x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो. सो जब x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, यहां पर देख ले वो सिचुएशन, वो ये पॉइंट है
क्योंकि ये ओरिजिन है और यही होगा x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। सो वहां पर उस सिचुएशन में देखें सी डैश्ड का वैल्यू क्या होगा। यहां पर देखें y का वैल्यू जीरो हम पुट करेंगे और x का वैल्यू जब हम यहां जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये जीरो बनेगा, और जब ये जीरो बनेगा तो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ये भी जीरो बनेगा, तो सी डैश्ड का जो वैल्यू है ये भी जीरो होगा, तो सी डैश्ड इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू w ओवर यंग्स मॉड्यूलस ओवर जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम इनटू l x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x क्यूब्ड ओवर 6 प्लस 0, क्योंकि c डैश का वैल्यू है 0। सो यहां पर ये वैल्यू भी 0 है। सो जब हम पता कर रहे हैं फ्री एंड का डिप्रेशन, सो ये y क्या बता रहा है, ये डिप्रेशन ही बता रहा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट में ये डिप्रेशन बता सकता है, जैसे कि इस पॉइंट का डिप्रेशन, इस पॉइंट का डिप्रेशन, इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स का डिप्रेशन बताता है। किसके फंक्शन में, x के फंक्शन में। यहां x क्या है, यहां x है उस पॉइंट का जिस पॉइंट का डिप्रेशन हम पता करें, फॉर एग्जाम्पल पी का अगर डिप्रेशन हम पता करें, सो पी से पी डैश का जो डिस्टेंस होगा यही होगा इसका डिप्रेशन। ये x के फंक्शन में हम इसे पता कर रहे हैं, अर्थात इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड एंड से, उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम इसका डिप्रेशन पता कर रहे हैं। तो ये होगा इसका टोटल डिप्रेशन या फ्री एंड का डिप्रेशन, हमने माना ये है y। जब हम फ्री एंड का डिप्रेशन पता करेंगे तब x का वैल्यू क्या होगा, तब x का वैल्यू बराबर होगा l के। सो फ्री एंड के डिप्रेशन के लिए, सो द डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड, डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड, एंड इस केस में जो x का वैल्यू होगा ये x होगा l के बराबर। तो देखिए y क्या होगा, अर्थात डिप्रेशन क्या होगा, ये हो गया डिप्रेशन, ये हो गया डिप्रेशन y, जो कि बराबर होगा वेट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम, या फिर कहे कैंटिलीवर, इनटू x के जगह l पुट करें तो l क्यूब्ड ओवर 2 माइनस l क्यूब्ड ओवर 6, तो यही बन जाएगा। देखिए कितना, ये बन जाएगा w ओवर यंग्स मॉड्यूलस इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैंटिलीवर इनटू l क्यूब्ड ओवर 3। सो डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड ये है वेट, प्रोवाइडेड वेट इनटू लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 3 इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल इनटू जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैंटिलीवर। सो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर, और इस कैंटिलीवर का जो अपना वेट है वो नेग्लिजिबल है इस W के रेस्पेक्ट में, अर्थात प्रोवाइडेड वेट के रेस्पेक्ट में।